हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक BSF की नई जो भर्ती है वो आ चुकी है, जिसका आपको बहुत ही इंतज़ार था बहुत ही दिनों से। तो वो आज वैकेंसी आ चुकी है, देख सकते हैं आप दोस्तों। BSF हेड कांस्टेबल नेस्टरी और स्टेनो सब इंस्पेक्टर स्टेनो की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, देख सकते हैं आप। वो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन मेरे पास में काफ़ी समय पहले था, बट मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं लेके आया क्योंकि उसमें आधी अधूरी जानकारी रहती है। ठीक है दोस्तों, ये जो बिल्कुल जो नोटिफिकेशन है फुल नोटिफिकेशन है और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है और इसमें पूर्ण जानकारी है, बिल्कुल संपूर्ण जानकारी है। तो मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, तो वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिए जिससे कि आप अच्छे से जानकारी को समझ सके। तो ठीक है दोस्तों, ये जो आपके 8 तारीख मतलब 8 अगस्त से फॉर्म जो है फिल स्टार्ट हो चुके हैं और आपको मैं लास्ट डेट बताऊंगा कि लास्ट डेट कब है कब नहीं है। तो एक महीना चलती है इसकी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो इस टेबल में यहाँ पे वैकेंसीज हैं आपकी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर जो है यहाँ पर ASI स्टेनोग्राफर की है और नीचे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेनो में है ओनली ST की वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली ST की वैकेंसी 11 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, उसमें उसके बाद में आपको हेड कांस्टेबल की आती है मिनिस्ट्री की। ठीक है, इसमें आप सब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कुछ भी स्पेशल कुछ चाहिए इसमें। तो इसमें देख सकते हैं UR में 154 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, UR में 154 वैकेंसी है, EWS में 41 वैकेंसी है और यहाँ पर OBC में 65 वैकेंसी है और SC में 38 वैकेंसी है और ST में 14 वैकेंसी। टोटल मिलाकर आपकी जो है यहाँ पर 312 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, और टोटल ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसी है मिला के स्टेनो की ग्राफर की और जो यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 323 वैकेंसी टोटल है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलो ये होगी वैकेंसी की बात। उसके बाद में आप चलते हैं मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब पे स्केल क्या है इसका क्या नहीं। उसके बाद में आपको जो है एज, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एज। तो यहाँ पर एज जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल के लिए। ठीक है, और जो SC ST को छूट मिलती है और OBC की छूट मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर SC ST को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, तभी आपको छूट मिल पाएगी। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर जो एज कब से काउंट हो रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ कि एज कब से काउंट हो रही है, तो अब 6 सितंबर 2022 इसकी जो लास्ट डेट है इसको काउंट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के अंदर आपको 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स की और जो SC ST को 5 साल की छूट मिला के आप देख सकते हैं कितनी होनी चाहिए, 5 साल मतलब 30 साल, और जो यहाँ पर OBC के लिए 3 साल की छूट हो मिला के 28 साल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 6 सितंबर 2022 तक। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर दी हुई है, मतलब इंटरमीडिएट चाहिए, इसके अलावा कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और इसमें स्किल टेस्ट भी होता है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ASI में स्टैंड मतलब शॉर्ट हैंड चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, और इसमें हेड कांस्टेबल टाइपिंग टेस्ट चाहिए आपको, अगर इंग्लिश में करनी है आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में करनी है आपको तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाती है आपकी हाइट, हाइट क्या कितनी चाहिए आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मतलब जनरल कैंडिडेट्स हैं, मतलब जनरल क्या मतलब कैटेगरी वाइज नहीं, मतलब जो प्लेन एरिया से आते हैं यहाँ पर उनके लिए चाहिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर और फीमेल के चाहिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो अदर हिल्स एरिया के आते हैं मतलब सिक्किम है नागालैंड इस तरीके के जो स्टेट आते हैं उनकी छूट मिलती है हाइट में, तो उनके लिए यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर चाहिए और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट भी मतलब इसमें चाहिए, तो आप देख सकते हैं जनरल की EWS की मतलब ST ओनली चेस्ट में ST को छूट है और अदर कैटेगरी कोई छूट नहीं है यहाँ पर, तो 77 नॉर्मल चाहिए, 82 फुलाव के साथ में चाहिए और ST को 76 नॉर्मल चाहिए और 81 फुलाव के साथ में चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका जो फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है, और यहाँ पर मेडिकल के बारे में जानकारी दी गई, मेडिकल तो इसका नॉर्मल ही होता है। ठीक है, और इसके बारे में आपको सिलेबस ही बताऊंगा, मतलब सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ इसका, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस दो फेज में सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पर, सबसे पहले आपका रेटिंग एग्जाम होगा। ठीक है, दूसरे फेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट होगा, जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा उसके बाद में। ठीक है, और जो मतलब जो स्टेनो से है तो उनका शॉर्ट हैंड होगा और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री से उनका टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर का। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी और उसके बाद में आपका मेडिकल फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यहाँ पर डिटेल्स भी दी गई है यहाँ पर एग्ज़ाम की, मतलब एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पहले पार्ट में हिंदी इंग्लिश 20 नंबर की आएगी,
जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, यहाँ पर जो है यहाँ पर 20 नंबर की आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यहाँ पर 20 नंबर का आएगा, क्लिनिकल एप्टीट्यूड यहाँ पर 20 नंबर का आएगा, और कंप्यूटर भी आपका 20 नंबर का आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके 100 मार्क्स हो गए। और मतलब इसका टाइमिंग जो है, टाइमिंग भी दिया हुआ है नीचे, मैं आपको बता देता हूँ कि टाइमिंग 1 घंटा 40 मिनट यहाँ पर दिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, देयर विल बी वन कंपोजिटिव पेपर फॉर 1 आवर एंड 40 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट का है, मुझे पता नहीं है कैसे है, मतलब 1.5 घंटा होना चाहिए था, बट ये तो ठीक है दोस्तों। ये जो भी है इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में कोई मतलब अदर फेक जो नोटिफिकेशन नहीं है, आप देख सकते हैं मतलब डिटेल में कितने क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। जो हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्री है उसके लिए मतलब 10 टाइम्स वैकेंसी का जो यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे टेस्ट में, और उसके बाद जो स्टेनोग्राफर के लिए जो यहाँ पर 30 टाइम मतलब 30 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो आपका आ जाता है फिजिकल मैजिक, भी मैंने बता दिया क्या क्या होगा आपका, ठीक है दोस्तों। ये आपका काम का नहीं है अभी फ़िलहाल, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे आप फीस पे बता रखा है किस तरीके से करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आपके काम का नहीं है, ये भी जो काम का होगा इस नोटिफिकेशन में दोस्तों। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है ये, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी भी भर्ती से रिलेटेड और ख़ासकर BSF की भर्ती से, कोई भी BSF की भर्ती आती है तो आपको BSF की सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ मिलती है, ओरिजिनल न्यूज़ मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी आपका काम का नहीं है, तो ये तो रजिस्ट्रेशन के बारे में दिखा रखा है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या करना है। तो दोस्तों ये थी मतलब जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में बात दी गई थी, मतलब फॉर्म से रिलेटेड, मतलब कौन कौन भर सकता है और क्या क्या आपको जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो एज कितनी है और मतलब हाइट चेस्ट, जो भी मैंने आपको पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन के द्वारा बता दी है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि दोस्तों आपको ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में यहाँ पर हर एक तरीके की न्यूज़ मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।